क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? गाइस भाग भाग के फ्लाइट पकड़ी है, पूछो मत, ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट हो गया था। 5 मार्च रात को करीब 10 बजे, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, ना कैब मिल रही थी और ट्रैफिक की तो लंबी लाइन लगी हुई थी। ऊपर से कोरोना के केसेस इंडिया में स्टार्ट हो गए थे। एक बार के लिए तो मन मेरे से बोला एवरीथिंग इज अगेंस्ट योर डिसीजन, एक बार के लिए मन ये भी बोला ट्राई कर ले, अगर फ्लाइट मिल गई तो ठीक, एटलीस्ट पुणे हुआ। फिर मैं पूरी प्रिकॉशंस के साथ फ्लाइट में सवार हो गया पुणे अपने दोस्त से मिलने के लिए। लांडो क्या चल रहा है? देखो भाई ये है पुणे। अगली सुबह मैं और मेरा दोस्त अमित निकल पड़े पुणे को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी जा रहे हैं हम एफसीबी और वहाँ जाके थोड़ा बहुत फूड वगैरह ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसे है यहाँ का एफसीबी मार्केट। यो अमित भाई। यो। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं गुडलक कैफे। सर बता रहे हैं कि ये जो आइसक्रीम है सारी घर पे बनती है, प्रॉपर घर में बनाते हैं और सारा जो फ्लेवर है सारा मैनमेड, ऐसा नहीं कि कोई मशीन वगैरह से बनता है। और फाइनली थोड़ा बहुत घूम फिर के हम लोगों ने डिसाइड किया पुणे टू गोवा रोड ट्रिप। वैसे तो गोवा जाने के बहुत से तरीके हैं बट हमें थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करना था तो हमने डायरेक्टली ऊबर बुक कर डाली और जाने का समय भी सुबह 3 बजे का तय किया ताकि लोगों से कम इंट्रैक्शन हो। हालांकि हम रोड ट्रिप को उतना इन्जॉय नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन जैसे ही गोवा पहुँचे एक अलग ही वाइब्स ने हमें हिट किया। बागा बीच जो अपने क्राउड एंड पार्टी वाइब्स के लिए जाना जाता है। सो गाइस अभी बज रहा है अराउंड 7 और हम लोग हैं अभी बागा बीच पे और माहौल काफ़ी अच्छा है, कोरोना वायरस का कोई भी असर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये लड़की कौन आ रही है फ्रेम में? ये कौन है? सो यहाँ पे जो वेदर है काफ़ी प्लेजेंट वेदर है और एरोमा तो पूछो मत, अमेजिंग एरोमा है। उसने मेरी बात को गलत साबित कर ही दिया। मैं सोच रहा था कि कोविड की वजह से हमें क्राउड बहुत कम देखने को मिलेगा, बल्कि हमें बागा बीच में भरपूर क्राउड देखने को मिला। बागा क्या, हमें तो गोवा में कहीं भी क्राउड कम नहीं लगा। अच्छी बात ये थी कि वहाँ कोई भी केसेस नहीं थे और हम लोग थोड़ी टेंशन कम लेने लगे थे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले हमने स्कूटी रेंट पर ले ली। वैसे ये रिकमेंडेड होता है कहीं भी कोई भी व्हीकल अगर आप रेंट पर ले रहे हो तो सारी डिटेल्स और वीडियो ज़रूर बना लें ताकि बाद में कोई भी स्कैम से आप बच पाएं। फिर निकल पड़े हम स्कूटी में आरंबल बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। बीचेस में आपको बहुत सुंदर सुंदर शैक्स देखने को मिल जाएंगे और जिस शैक में हम गए थे उसका नाम था कार्पेडियम और यहाँ मिल गए हमें चिन्मय भाई। इन्होंने हमें बताया कि अगर हम लेफ्ट की साइड जाएंगे आगे बीच में तो हमें एक स्वीट लेक मिलेगी और राइट साइड में जाएंगे तो हमें बहुत सारे रिजॉर्ट्स मिलेंगे। आई रिकमेंड कि अगर आपको कुछ शांति वाला बीच चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो और अच्छे खासे फॉरेनर भी है यहाँ पे, तो एक मेंटेन करा हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भसड़ है। तो अभी हम लोग भी बैठे हुए यहाँ पे लंच कर रहे हैं, आज हमने पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड किया और बस बैठे थे, हमने थोड़ा सनबाथ लिया और बीच साइड इंजॉय किया, उसके बाद अभी लंच कर रहे हैं। सो गाइस अगर आप लोग आरंबुल बीच आ रहे हो जरूर स्वीट लेक जरूर जाना, ऐसा हमको ही बोला गया था, हमने भी नेट पे पढ़ा था। तो हम लोग अभी बीच इंजॉय करने के बाद जा रहे हैं स्वीट लेक जो कि वहाँ से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है और रास्ता ठीक ठाक है। रास्ते के दोनों साइड से कैफेज हैं बहुत अच्छे अच्छे और बीच यूज कैफेज हैं और बहुत सारे शॉप्स हैं स्वीट्स वगैरह खरीदने के लिए। और इस बीच साइड को देखने के बाद हम अपने आप को यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर करने से रोक नहीं पाए। अगर आप लोगों को हमारी फ़ोटोज़ वगैरह देखनी है तो आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस जैसे ही वो मार्केट ख़त्म होती है
फिर से बीच एरिया स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद स्वीट लेक जस्ट मेरे सामने है, और जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है पूरे स्पॉट से, जैसे कि आप वो देख रहे हो पीछे से वो पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ पे। तो वैसे कुदरत का भी क्या करिश्मा है, सामने समुंदर है नमक से भरा हुआ पानी, और जस्ट उसके बगल में है ये स्वीट लेक जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा ऐसा बोला जाता है, और ये ओपन एरिया है, नेचुरल लेक है, यहाँ पे आप आके नहा भी सकते हो। यहाँ से वापस होटल जाने के बाद हमने रात को कैरियोके में खूब मजे किए। अगली सुबह शांति की तलाश में हम लोग नॉर्थ गोवा से पहुँच चुके थे साउथ गोवा। बागा बीच से करीब 47 किलोमीटर की ड्राइव करके हम लोग पहुँच गए थे कोलवा बीच। कोलवा बीच अपने फॉरेन क्राउड और शांत एरिया के बारे में जाना जाता है। अगर आप भसड़ से दूर पीसफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये बीच आपके लिए परफेक्ट है। दिन भर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस बागा आ गए, और फिर हमने शाम को टिटोज में एंट्री ले ही ली और जम के नाचा। ये दिन 9 मार्च होली का दिन था, बट कोई खास चहल पहल देखने को नहीं मिल रही थी बीचेस में। हम लोग कैलंगेट बीच में थे और सब कुछ एज यूजुअल था। बीचेस में ना कोई होली की पार्टीज चल रही थी, और कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर निराश हो चुका था। फिर अचानक से जिस शैक पे हम लोग बैठे हुए थे वहाँ माहौल बन गया, और देखते ही देखते सब लोग होली के रंग में गुम होके नाचने लगे। से हमने वॉल्वो बस ले ली थी पुणे के लिए, और अगली सुबह हम पहुंच गए थे पुणे। बस यही है मेरी अधूरी कहानी पुणे से गोवा की। वैसे तो ये अधूरी कहानी है, पर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंगल कैमरा एंगल तो ऐसे निकालते हैं ना, जैसे लोग ब्रेक तू भी आ रहा है, मैं भी आ रहा हूं। वाह, मेरे हाथ में ब्रेक नहीं आ रहा, ब्रेक नहीं लगी। तुम क्यों ना आए शा नगरी में धूम मची। होली है, होली है, होली नहीं है क्या भाई? होली तो है यार, होली तो नहीं पानी है भैया। होली है क्या भैया? होली नहीं है, होली है यार, होली है, पूरा ना मानो होली है।